तो हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस नए फास्ट नॉलेजेबल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और कवर करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को, टॉपिक नंबर वन। दोस्तों आपने बहुत से कलर देखे होंगे, पर उन कलर में लाल रंग एक ऐसा कलर है जिसके बराबर में यदि कोई दूसरा कलर रख भी दिया जाए फिर भी हमें लाल रंग ज़्यादा नज़दीक महसूस होगा उसके बराबर में रखे कलर के मुकाबले में। तो ये चीज़ लाल कलर को और भी ज़्यादा यूनिक बना देती है। टॉपिक नंबर टू, दोस्तों आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तो देखा ही होगा, ये आपको ग्रीन कलर का दिखेगा बिल्कुल चित्र में दिखाए अनुसार, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इसका वास्तविक कलर है ही नहीं। आप शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि ये कॉपर की बनी है, तो इसलिए इसका कलर कॉपर का था, पर ऑक्सीडेशन की वजह से इसका कलर जो है वो हरा हो गया। इसका मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अभी जो हरा रंग का दिखता है वो वास्तव में हरा नहीं था, वो पहले कॉपर कलर का था। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी जो हरा कलर हुआ है वो ज़्यादा बेहतर लगा या पुराने वाला कॉपर का कलर। टॉपिक नंबर थ्री, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी रही होगी? गैस करिए, 20, 30, 40, 50। नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों दुनिया की सबसे पहली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर हावर की। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 8 किलोमीटर पर हावर। और आज कितना ज़्यादा विकास हो गया है ये तो आप लगभग जानते ही हैं। टॉपिक नंबर फोर, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक चींटी के दो पेट होते हैं, और इधर हम एक पेट ही नहीं संभाल पाते, कई प्रकार की प्रॉब्लम हमें आ ही जाती है। इधर कभी गैस हुआ तो इधर दस हुआ, इधर गैस इधर दस, इधर गैस इधर दस, इधर गैस इधर दस, इधर गैस इधर दस। सॉरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, एक रिसर्च से पता चला है कि एक चींटी के दो पेट होते हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खुद के लिए करती है तथा दूसरे का इस्तेमाल वो फूड को स्टोर करने के लिए करती है, और उस फूड स्टोर का उपयोग जो उसमें रखा हुआ भोजन है उसका उपयोग वो ज़रूरत के समय करती है तथा दूसरी जो चींटी है उसको वो फूड फीड कराती है। तो है ना दोस्तों अमेजिंग बात, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चींटियाँ, अमेजिंग। तो दोस्तों इसी बात पर लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और आखिरी टॉपिक की ओर, टॉपिक नंबर फाइव। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में 26 मई को साइंस डे मनाते हैं, पर आप सोचेंगे कि उसमें क्या है, ये तो हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कहाँ? तो दोस्तों अब हो जाएगा ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ 26 मई को साइंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के महान हस्ती APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ विजिट किया था, यहाँ उस दिन गए थे, और जिस दिन वहाँ वो गए यानी कि 26 मई को, तो उस दिन को स्विट्जरलैंड की जो सरकार है उसने साइंस डे घोषित कर दिया। तो जब भी मैं अपने देश के इन महान हस्तियों के बारे में सुनता हूँ और उनके कारनामे के बारे में सुनता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। आपको कैसा महसूस होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों इसी बात पे लाइक तो हो ही जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजफुल लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।